Hi guys, wish you a very very good morning. This is Mayesh Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 20th of August 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, the first thing that we always take is the motivational quote: drop the idea of becoming someone because you are already a masterpiece. You cannot be improved, you have to only come to it and to know it, to realize it. Basically, it is the quotation of Osho, and what it says that if you want to become something, I mean someone, if you want ki aap uske jaise ho jaye, to ye idea aap apne dimag se bilkul drop kar lijiye. Is cheez ko mind mein set up kar lijiye ki aap already ek masterpiece hain. Aap improve नहीं कर सकते, आपको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ मास्टरपीस. सो डोंट गेट द आइडिया टू बिकम लाइक अ समवन. ओके, यू हैव ओनली टू कम इट, टू नो इट एंड टू रियलाइज इट. आपको ये सिर्फ जानना होगा कि आप हैं, आप अपने आप में एक मास्टरपीस हैं, और आपको ये समझना होगा, आपको जानना होगा और आपको रियलाइज करना होगा, सो दैट यू कैन बी अ मास्टरपीस. अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हम डेफिनेटली उस अपने आप में वैसे इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल वो ही बनने की कोशिश करेंगे. सो यू विल बिकम इन मास्टरपीस. ओके, द फर्स्ट न्यूज़ इज हार्ले डेविडसन मे एग्जिट इंडिया. हो सकता है हार्ले डेविडसन, जो कि बहुत ही लविंग बाइक है एंड इसकी जो सीरीज़ है, पर्सनली आई रियली लव इट. सो ये हो सकता है कि इंडिया से एग्जिट कर जाए. उसका रीज़न क्या है, इसकी जो सेल है वो बहुत वीक है इंडिया में, और फ्यूचर में भी इसकी कोई डिमांड रेज होने की कोई विजिबिलिटी जो है दिखाई नहीं देती है, और विजिबिलिटी नहीं है इसकी डिमांड रेज होने की. दैट्स वाई ये सारे रीजन्स को देखते हुए पॉसिबल है कि हार्ले डेविडसन जो है उसे इंडिया से एग्जिट करना पड़े, मतलब उसको अपना पूरी तरीके से पैकअप करना पड़े इंडिया में. बाले डिकेड अगो इट्स एंट्री हार्ले डेविडसन इज लुकिंग टू वाइंड डाउन इट्स असेंबली ऑपरेशंस इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ वीक सेल एंड अ लैक ऑफ विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर डिमांड, इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स सेड. इंडस्ट्री और एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना है कि फ्यूचर की जो डिमांड है उसकी विजिबिलिटी की कमी हो जाने के कारण, मतलब हमें नहीं दिखाई देता कि फ्यूचर में इसकी कोई डिमांड होगी, और उसके अलावा जो सेल्स है वो भी काफ़ी वीक है. इन सब चीज़ों को देखते हुए वी थिंक दैट हमें अपने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को कोलैप्स करना होगा. द आइकॉनिक US मोटरसाइकिल बाइकर हैज सेंट आउट फीलर्स टू अ फ्यू ऑटोमेकर्स थ्रू कंसल्टेंट्स दैट फॉर अ पॉसिबल आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स लीज्ड एज असेंबली फैसिलिटी एट बवल इन हरियाणा. बवाल हरियाणा. अ पर्सन प्राइवी टू द पार्लियामेंट्री टॉक सेड द डिसीजन इज इन कीपिंग विद इट्स लास्ट रिवायर and strategy to focus on about 50 markets and mainly in North America, Europe and parts of Asia Pacific that represents the majority of the company's volume and growth potentials. 50 markets ऐसे हैं जहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चलती है, और उसी के अंदर जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इसके जो पार्ट्स हैं, एशिया के भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, तो उन सारी जगहों पर जहाँ कंपनी बहुत अच्छी चलती है, उसका वॉल्यूम बहुत मेजॉरिटी बेसिस पे रहता है, उस बेसिस पे अगर बात करें तो ग्रोथ और पोटेंशियल दिखाई देता है. और उसी के चलते जो रिव्यू लिया गया है, जो प्लान्स बनाए गए हैं चलते हुए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उनका रिव्यू लिया गया है, उनके जो प्लान्स बनाए गए हैं उसके मामले में इंडिया जो है काफ़ी लो जा रहा है. ना तो यहाँ पे कोई फ्यूचर डिमांड देखने को मिल रही है जिससे कि स्ट्रैटेजी क्रिएट किए जा सके, और बहुत ही वीक सेल देखने को मिल रही है. जो हार्ले डेविडसन जो है 2500 यूनिट अब तक जो है इंडिया के अंदर सेल आउट कर चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट हेयर वी कैन से दैट जो इसका जो डेटा है अकॉर्डिंग टू द हार्ले डेविडसन इट्स नॉट रेजिंग अप एंड द विजिबिलिटी एंड द डिमांड इज़ नॉट दैट मच क्लियर, सो दैट वी आर गोइंग टू कोलैप्स द मार्केट. ओके, द नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट. कैबिनेट ने 3 एयरपोर्ट्स को लीज करने का
जो है फैसला कर लिया है, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उस पर बेस्ड 50 ईयर का प्रपोजल प्रपोज किया गया है। ठीक है, बेसिकली क्या है, वेंसडे को जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जैसे कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के, इन तीनों एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत 50 ईयर्स तक के लिए जो है वो लीज़ किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट ने बताया, कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वेंसडे को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI इज नॉट गिविंग दीज एयरपोर्ट्स परमानेंटली टू द प्राइवेट ऑपरेटर्स। हम ये जो एयरपोर्ट्स है परमानेंटली प्राइवेट ऑपरेटर्स को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक 50 ईयर्स का टेन्योर है उसके तहत चलाने के लिए हम प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये एयरपोर्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, AAI को जो है इनिशियली इस चीज़ के लिए 1,070 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, जो कि जिसका वो यूज़ कर सकते हैं अपने जो और भी एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, स्मॉलर सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स हैं या अदर जो एयरपोर्ट्स हैं जो डाउनफॉल हो रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो 3 एयरपोर्ट हैं, टोटल ऑफ 6 एयरपोर्ट्स, वेयर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने जो है सबसे ज़्यादा बिड, हम कह सकते हैं लास्ट ईयर वो काफ़ी बिल्डर्स कर रखे हैं, बट स्टिल उस समय वी वर नॉट इन पोजिशन टू गिव अप। लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलुरु ये सब तो अप्रूव हो चुके थे प्राइवेट प्लेयर्स के तौर पे कि इनको प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा ओवरऑल जो है हैंडल कर लिया जाएगा, बट हेयर इन तीनों एयरपोर्ट्स को उस समय नहीं रखा गया था इस कैटेगरी में, बट अब जो है हमें ज़रूरत लगी है इसलिए हमने इसे इस कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आई है, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नया जो है हम कह सकते हैं बहुत ही वंडरफुल जो है एक सेगमेंट हमें गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को इस्टैब्लिश करने जा रही हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको हर एग्ज़ाम में कुछ अलग सा देखने को मिलता है, कुछ अलग सा उनको जो है एफ़र्ट्स डालने होते हैं, कुछ अलग हर एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग पढ़ना होता है और फिर वो जनरली मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, है ना। और फिर उस जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसकी वैकेंसी कब आउट होती है, रिक्रूटमेंट क्या सीट्स होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं होती। तो एक डिसीज़न लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि हम एक सिंगल एग्ज़ाम का प्रोसीजर रखेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सेटअप की है जो कि एक सिंपल एग्ज़ाम रखेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अरेंज किया जाएगा सारे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अब स्पेशलिटी क्या है इस पूरे नेशनल एलिजिबिलिटी या नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट की एजेंसी की क्या स्पेशलिटी है, तो बेसिकली NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल इनिशियली कंडक्ट दी सेट फॉर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इन तीनों SSC, रेलवे और बैंकिंग तीनों ही इक्विवेलेंट लेवल के हैं लेकिन तीनों के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे IBPS जो है उसके अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, SSC का अलग डिपार्टमेंट है, वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग से वर्क कर रहा है। तो इन तीनों के लिए जो है इनिशियली सेट जो है उसको कंडक्ट करेगी। इट विल बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल्स, 3 लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, 3 लेवल के जो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज क्रिएट की जाएगी, जिसके अंदर एक ग्रेजुएट लेवल होगा, एक 12th पास और एक 10th पास, एंड फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट फॉर 3 एजेंसीज। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, साल में 2 बार 12 लैंग्वेजेस के अंदर जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में, एंड विल बी बेस्ड ऑन अ कॉमन क्यूरिकुलम, एक कॉमन क्यूरिकुलम पर बेस्ड होगा। स्कोर्स विल बी वैलिड फॉर अ 3-ईयर पीरियड, स्कोर्स जो है आपके जो स्कोर्स हैं वो कब तक वैलिड होंगे, नेक्स्ट 3-ईयर पीरियड के लिए, उसके तहत आपको कहीं पर भी जो आपके स्कोर्स के बेसिस पर जो जितना भी मार्जिन जाता है उस बेसिस पर आप सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। स्टूडेंट कैन राइट दी टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, आप बहुत काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स कितने भी टाइम्स ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एंड देयर बेस्ट स्कोर विल बी टेकन इन
इनटू अकाउंट, उनके बेस्ट स्कोर जो भी होंगे, आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें से जो बेस्ट स्कोर है आपके वो कंसिडर किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा. अकॉर्डिंग टू द DOPT सेक्रेटरी देयर आर 1.25 लाख वैकेंसीज एवरी ईयर इन ग्रुप बी एंड सी फॉर नॉन गजेटेड ऑफिसर. नॉन गजेटेड ऑफिसर्स जो है उनके लिए ग्रुप सी और डी के लिए, बी और सी के लिए जो है हर साल करीब 1.25 लाख वैकेंसीज होंगी. एंड अबाउट 2.5 करोड़ पीपल अप्लाई एवरी ईयर फॉर एग्जामिनेशन टू फिल दिस वैकेंसी. ये जो वैकेंसीज है 1.25 लाख की, उसके लिए करीब 2.5 करोड़ पीपल्स एवरी ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. क्या क्या नई चीज़ें होगी इसके अंदर, 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, साल में 2 बार कंडक्ट होगा, बिल्कुल डिफरेंट एक कॉमन करिकुलम पर बेस्ड होगा, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 3 एजेंसीज होंगी. उसके अलावा जो ग्रेजुएट, 12th पास और 10th पास, ये 3 कैटेगरी के अंदर सेपरेट एंटिटीज के तहत एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे. एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ठीक है. और इस एग्ज़ाम को जो है किसके अंदर कोलैप्स किया जाएगा, 3 सेक्टर कौन कौन से कवर होंगे, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड IBPS दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा लेकर आए हैं कैबिनेट, और बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि एक जो एजेंसी सेटअप की है. और आप सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल तक आप एग्ज़ाम राइट कर सकते हैं. 3 साल तक मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, और हर साल जो 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, और इन 3 सालों में जो आपने 6 एग्ज़ाम दिए उसमें सबसे बेस्ट जो है वो आपके स्कोर्स कंसीडर होंगे, उनको आपके अकाउंट में लिया जाएगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं जो इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा पूरा मुझे लगा इसका पूरा सिस्टम. सो यू शुड गो फॉर इट. और भी बेटर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि हम इसको सेपरेटली भी लेंगे, एक डिफरेंट से इसके ऊपर पूरा वीडियो क्रिएट होगा जो कि आप तक पहुंचेगा, जिससे कि आपको इसको समझने में और इजी हो जाए, ठीक है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है. PM केयर्स फंड की बात चल रही है यहाँ पे. गवर्नमेंट को जो भी क्वेरीज है PM केयर फंड से रिलेटेड, उन्हें जो है the government must not stall queries related to the operations of PM CARES Fund. There is something about the nature of the PM CARES Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation, that is PM CARES Fund, and that has led to demands for its scrutiny. While the Supreme Court has rejected a writ petition, अभी recently Supreme Court ने writ petition जो है उसे reject कर दिया है, ये चीज़ आपको भी पता है. National Disaster Response Fund NDRF को ये पूरा फंड जो है PM CARES Fund, उसका जो पैसा है वो सारा NDRF में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ऐसी डिमांड की गई थी, उसके लिए writ लगाई गई थी. तो उस writ को पूरी तरीके से Supreme Court ने खारिज कर दिया है, ठीक है. So the next is also denied the petitioner demand that the public charitable trust be audited by the CAG. और ये भी demand की गई थी petitioners द्वारा कि ये जो पूरा fund है PM CARES Fund जो कि public charity पर based है, तो उसे CAG द्वारा क्या किया जाना चाहिए, audit किया जाना चाहिए, और जो questions हैं उनकी ज़रूरी questions, उनके answers दिए जाने चाहिए, और उसके लिए operations conduct किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर lack of transparency है, ठीक है. इसके तहत 3 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने पूरी तरीके से इस डिमांड को, इवन जितनी भी डिमांड्स लगाई गई थी इस पिटीशन में, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है. बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट व्हेन देयर इज PM's नेशनल रिलीफ फंड PMNRF विथ अ सस्टेनेबल कॉर्पस इन प्लेस इज़ नॉट क्लियर. ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है. ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन मार्क है कि PMNRF दैट इज़
पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड जो ऑलरेडी पीएम के उसके अंदर ही आता है कैटेगरी में, तो उसके होते हुए एक नए केयर फंड की नए ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करने का क्या रीज़न हो सकता है, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। सिंस द पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, द कोर्ट्स रीजनिंग वॉज दैट देयर वॉज नो ओकेजन फॉर द कैग ऑडिट। और जब इसकी जो है मनी की डिमांड, जो ऑडिट की डिमांड की गई, तो उसको देखते हुए कोर्ट का ये कहना था कि कैग ऑडिट का कोई पर्टिकुलर ओकेजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर जो है इशू देखने को मिलता है या कोई गड़बड़ देखने को मिलती है तो उस बेसिस पे हम कैग ऑडिट रख सकते हैं, बट हेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाउएवर द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस और द एब्सेंस ऑफ अ कैग ऑडिट। कैग ऑडिट ना होना एक कंसर्न नहीं है बेसिकली, और वेदर इट इज़ सुपरफ्लुअस और इंडीड एसेंशियल, और ये बेसिकली अपने आप में ज़रूरी है एज ऑफ वी कैन से कि एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करना NDRF के PMNRF के होते हुए भी ये एक सेपरेट एंटिटी का क्रिएट करना और फिर उसके अंदर सभी के फंड्स जो है वो जनरेट होना, इन सब चीज़ों को देखते हुए वी कैन से अब उसकी ज़रूरत है। As responses to RTI queries on the fund revealed, the government is not forthcoming on questions on its transparency or accountability. Queries on the trust deeds for the fund and its creation and operation has been summarily dismissed by arguing that the fund was not a public authority, even though the PM is its ex-officio chairman and three cabinet ministers are its trustees. बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि क्वेरी ये नहीं है कि फंड के बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या और कोई भी चीज़, क्वेरी वो नहीं है। क्वेरी इज़ जस्ट ओनली दिस दैट इसकी जो इसके अंदर जो पब्लिक का पैसा गया है, जो जितना भी पैसा है लोगों ने रेज़ किया है पीएम केयर्स फंड के तहत, जो केयर फंड है डिज़ास्टर जो उस समय क्रिएट हुआ है या COVID-19 जो अभी भी ऑलरेडी जिसको हम सफ़र कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो फ़ंड इकट्ठा हुआ है उसकी एक जनरल डिटेल जो है वो डिमांड की गई थी। बट हेयर जो है ये चीज़ कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो ये पब्लिक ऑथोरिटी के अंदर नहीं आता है, पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक ऑथोरिटी में नहीं आता है, दैट्स वाई इस पे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, पहले इसके ऊपर RTI का डिमांड की गई थी RTI में सम्मिलित करने की। अच्छा, पहले जब बेसिकली इसकी सीरीज़ क्या रही कि इसके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया कि वी वॉन्ट टू नो अबाउट इट, तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि RTI के तहत नहीं आता है। फिर इसे RTI में रखने की डिमांड की गई तो उसे भी खारिज कर दिया गया, और उसके बाद में जब ये डिमांड रखी गई कि पीएम केयर्स फंड की पूरी डिटेल हमें चाहिए कि उसके अंदर जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो पैसा कहाँ गया है, किस तरीके से यूज़ लिया गया है, क्योंकि वो पब्लिक जो है उसका उसके अंडर में आता है पब्लिक ऑथोरिटी के, एंड सारा पैसा जो है सरकार ने जो है पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ था, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट की गई कि हमें उसके बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए और इसे RTI के अंदर सम्मिलित किया जाए, तो वो भी खारिज कर दिया गया। और फाइनली जब ये रिट लगाई गई कि कैग जो है उसका पूरा इंस्पेक्शन होना चाहिए, कैग जो पूरी हम कह सकते हैं कि जो उसकी नीड है ऑडिट की वो होनी चाहिए, और इसके अलावा जो और भी डिमांड्स रखी गई थी जैसे कि उसे NDRF में उसके फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, कैग जो है उसकी डिमांड रखी गई थी कैग ऑडिट की, तो ये सारी डिमांड्स को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैड ऑल्सो ट्रीटेड इट एज अ फंड सेटअप बाय द सेंटर। सेंटर द्वारा क्रिएट किया गया, सेटअप किया गया फंड के रूप में इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ट्रीट किया है, ठीक है। सिंस द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड लैक ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हैव डोनेटेड अ डेज सैलरी, अपने अपने एक एक दिन की सैलरीज तक डोनेट की थी, और फिर उसके अंदर कुछ डिडक्शन की डिमांड भी की थी, काफ़ी जो है एक्सप्लिसिट कंसेंट हमें वहाँ पे विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट उन्होंने जो है काफ़ी
डिडक्शन भी किया गया था, क्लेम किया था फॉर दैट दिस डिडक्शन वॉज डन विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट. काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए थे, लाइक उनका ये कहना था कि हमारी जो सैलरीज है उसे डिडक्ट किया गया बिना किसी कंसर्न के, बिना हमसे किसी कंसेंट के, मतलब हमसे बिना पूछे ही, है ना. तो ये सारी इश्यूज भी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिली थी. मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज टू हैव मेड डोनेशंस बिकॉज ऑफ द प्रोविजो अलाउिंग अनकैप्ड कॉरपोरेट डोनेशंस दैट वुड क्वालिफाई एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सी एस आर एक्सपेंडिचर. ओके. एंड अर्लियर अ गवर्नमेंट पैनल हैड ऑलरेडी राइटली सजेस्टेड दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन वुड बी अ रिग्रेसिव इंसेंटिव. दस फार द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम एन अनाउंसमेंट इन मे दैट 3,100 crores had been sanctioned from it to be spent on ventilators, migrant workers, and migrant workers welfare basically, and vaccine development. इसके अलावा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया. ये जो सारा फंड जो इतने लोगों ने दिया है, जो इतना सब कुछ क्रिएट हुआ है पीएम केयर्स फंड में, उसमें से जो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची थी, वो ये थी कि 3,100 करोड़ जो है सेंक्शन किए गए हैं, जिससे कि वेंटिलेटर्स और माइग्रेंट वर्कर्स और जो वैक्सीन डेवलपमेंट है इन सब में स्पेंड किया जा सके. ये करीब मई की बात है ना. उसके बाद में कोई किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आउट नहीं किया गया. स्टेट्स हैव लेट द रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स टू कोविड 19 एंड देयर रिसोर्स हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेच्ड बाय द कंटिन्यूइंग राइज इन इन्फेक्शन एंड डेथ which have crossed approximately 2.8 million and 54,000 mark respectively. At the very least, RTI requests that seek to understand how funds are being received and how they are being used. फिर भी RTI से request की जा सकती है कि किस तरीके से raise, सबसे पहली बात तो किस तरीके से fund receive किया गया, उसके बाद में उसे कैसे raise किया गया, कैसे उसके अंदर अलग अलग तरीके से उस fund को manage किया गया. और इससे भी ज़्यादा जो है सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो NDRF जो है उसके तहत जो है उनको अलाउ करे कि वो इस ट्रांसफ़र जो है इस फंड के पूरे ट्रांसफर इस पूरा जो फंड है इसको स्ट्रेट ट्रांसफ़र के लिए अलाउ करें, है ना. तो ओवरऑल वी कैन से ट्रांसपेरेंसी की नीड है, बिकॉज जहाँ इतने लोगों ने, एक एक पर्सन ने, इंडिविजुअल में, आई हैव सीन माई सेल्फ की काफ़ी जो जो डाउन लेवल के लोग भी हैं, पुअर लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है देने को, उन्होंने भी इसमें फ़ंड जो है ट्रांसफ़र किया है, उन्होंने भी जो है इसके अंदर डोनेशन दिया है विद देयर कर्टसी. सो इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू आई कैन से एक्नॉलेज every individual that what they have done with this fund and where they use this fund. Okay, so ministry should be go through it, cabinet should do this. Okay, the next article is data power. India cannot allow a nexus between influential tech giants and powerful politicians. An investigation report by the Wall Street Journal last week has raised troubling questions about whether Facebook, the world's largest social media network, goes easy on hate speech violation of BJP by BJP leaders as so as to be on the right side of the ruling party. Ruling party ke right side ki agar baat ki jaye to kafi speech violations jo hai BJP leaders ke wo देखने को मिला है. हेट स्पीच जिसे हम कह सकते हैं उसे वायलेट किया गया है बीजेपी लीडर्स द्वारा फेसबुक के ऊपर. तो क्या ये फेसबुक जो है अपने आप में एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इन सारी चीज़ों का? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा. एंड ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि ये आने वाले टाइम में एक ट्रबल का रीज़न भी हो सकता है कि क्या ये रूलिंग पार्टी होने के तौर पे, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है तो क्या उन बीजेपी को ये अधिकार है कि वो जो है हेट स्पीच वायलेशंस क्रिएट करे या फिर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करे सोशल मीडिया पे जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को हेल्प या हवा दे, है ना. The journal story specification or specifically refers to the case of the BJP's Telangana MLA T. Raja Singh. ये स्पेशली इन बीजेपी के तेलंगाना MLA जो है T. Raja Singh उनके बारे में कहा गया.
that it says has not been yet removed from Facebook despite his controversial post about Muslims. Muslims के ऊपर अपने controversial post उनके जो है वो देखे गए थे और काफ़ी रूल्स जो है उनको वायलेट करते हुए दे पाया गया था उनको, और जो डेफिनेटली डेंजरस है इंडिया की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर. तो उन सबको देखते हुए टी राजा सिंह जो है एमएलए तेलंगाना के, उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लेने की ज़रूरत थी फेसबुक को, बट अभी भी फेसबुक से उनका अकाउंट डिलीट नहीं किया गया. ठीक है. एल्सवेयर, फेसबुक रिपोर्टेडली डज रिमूव पीपल विद सच प्रोफाइल एंड प्रॉब्लमैटिक एक्शंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. रेडियो होस्ट एलेक्स जोन्स एंड नेशन ऑफ इस्लाम लीडर्स लुइस फराह खान आर एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स हैं, ये इन्होंने प्रॉब्लमेटिक एक्शंस लिया था जिसके तहत फेसबुक ने इन्हें रिपोर्ट किया था और इन्हें रिमूव भी किया था फेसबुक को रिपोर्ट मिलने पे. इन दिस केस द सपोज्ड रीज़न फॉर नॉट एक्टिंग अगेंस्ट मिस्टर सिंह इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक दैन द लैक ऑफ एक्शन इट्सेल्फ. तो अगर उन बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं रेडियो होस्ट एलेक्स जोन्स और इसके अलावा जो इस्लाम लीडर है लुइस फराह खान, अगर इनके अकाउंट्स को भी जो है प्रॉब्लमेटिक प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर अगर प्रॉब्लमेटिक जो स्टेटमेंट्स मिलते हैं या एक्शंस देखे गए हैं उसके तहत रिमूव कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में अगर मिस्टर सिंह का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाता है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक एक्शन होगा, है ना. फॉर द जनरल्स रिपोर्ट गोज ऑन टू स्टे दैट मिस ओके मिस अंकी दास काफ़ी इशू चल रहा है, पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ इंडिया है एंड फेसबुक की, एंड उनको काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा है इस बात के लिए. वॉज अगेंस्ट टेकिंग दीज पोस्ट डाउन एज वेल एज दोज ऑफ थ्री अदर्स. शी रिपोर्टेडली टोल्ड हर कलीग्स दैट पनिशिंग वायलेशंस बाय पॉलिटिशियंस फ्रॉम मिस्टर मोदीज पार्टी वुड इफेक्ट द कंपनीज बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इन द कंट्री. ये उनका कहना था, उनका ये स्टेटमेंट था कि क्योंकि मोदी जी रूलिंग पार्टी में, उनकी पार्टी के किसी भी पॉलिटिशियन को जो है पनिश करना उस वायलेशंस के तौर पे, ये अपने आप में हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव जो है, कंपनी का जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है कंट्री के अंदर, उसे इफ़ेक्ट करेगा. तो समवेयर हम कह सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ये प्रेशराइज कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि वो वैसे चले जैसे रूलिंग पार्टीज़ जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जा रही हैं. तो ये सारा इश्यूज़, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं इन दिनों, और देर इज़ अ नीड टू डिस्पल मिस गिविंग्स अबाउट फेसबुक लॉबिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर. पावर के आड़ में जो लॉबीज क्रिएट की जा रही है फेसबुक पे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या अदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो इंडिया है जो है उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल टेक जाइंट्स और पावरफुल पॉलिटिशियंस के बीच नेक्सस क्रिएट करे, है ना. तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जा रही है, उसी पर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल को बताया है व्हाट्सएप फेसबुक पे, और इसके अलावा उनके पावर को यहाँ पे जो है दिखाया है. मिस्टर थरूर जो है एमपी, शशि थरूर कांग्रेस एमपी, उन्होंने भी जो है आईटी पैनल के अंदर पार्लियामेंट्री पैनल को हेड किया है और हैज समंड फेसबुक ऑल्सो. द बीजेपी रिस्पॉन्डिंग द कांग्रेस लीडर राहुल गांधीज ट्वीट दैट बीजेपी आरएसएस कंट्रोल फेसबुक एंड व्हाट्सएप इन द इंडिया. इंडिया के अंदर बीजेपी जो है वो फेसबुक व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का ट्वीट रहा है एंड उसे भी बीजेपी ने जो है रिस्पॉन्ड किया है. हैज़ इन टर्न एक्यूज द कांग्रेस ऑफ ट्राइंग टू मैनिपुलेट डेटा विथ फेसबुक्स हेल्प. फेसबुक की हेल्प से डेटा को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है, उनका रिप्लाई था. तो इस तरह के काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर्स देखे गए हैं. पहले भी फेसबुक ने कई ऐसे वॉयलेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या डेटा को या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, तो या सिक्योरिटी मेजर्स को अगर वॉयलेट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट काफ़ी एक्शंस फेसबुक द्वारा ऑलरेडी देखे गए हैं. और उस कंडीशन में हमारे इस स्टेटमेंट जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है उसके लीडर द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है टी राजा सिंह एमएलए जो है तेलंगाना के, उनके साथ में उनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वॉयलेट कर रहा है सिचुएशंस को,
बट स्टिल नो वन इज़ गोइंग टू, आई मीन जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाइड इंडिया कहा जाता है, तो रिलीजन बेसिस पर जो डिस्प्यूट्स है, जैसे मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए जो स्टेटमेंट दिया गया, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इमेज जो है एक कंट्री की उसको इफेक्ट करते हैं. सो समवेयर वी शुड नॉट अलाउ दैम टू गो थ्रू दिस, एंड वी शुड नॉट अलाउ दीज टाइप ऑफ पॉलिटिकल पीपल्स टू गिव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग any particular section or religion or any particular area which will impact or affect the Indian diversity. Okay, so it is all about it. ये पूरा article उसी पर based है, और उस पर जो है social media platform का कोई ruling party के साथ collab होना, या हम कह सकते हैं कि उनके उसके साथ में उसका टाइप होना, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, और उस पार्टी का उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कोई लेना, बिकॉज इट इज़ जस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट शुडेंट बी अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एट ऑल. सो ये जो चीज़ें हैं पावर के बेसिस पर जो चीज़ें की जाती है उनको थोड़ा अवॉइड कर अगर किया जाए, तो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है जो कहीं ना कहीं हमारे सोशल कनेक्टिविटी की वजह है, उनको मेंटेन किया जा सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ चाइना रशिया टाइज एज अ मेजर डिटर्मिनेंट. अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन बीजिंग एंड मॉस्को इज़ क्रिटिकल टू इंडियाज फॉरन पॉलिसी. इंडिया की फॉरन पॉलिसी कैलकुलस के लिए अगर बात करें, तो बीजिंग और मॉस्को के बीच का जो पार्टनरशिप है उसको प्रॉपर एनालाइज करना थोड़ा सा क्रिटिकल है हमारे लिए. एंड समवेयर इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल है, चाइना और रशिया के टाइज जो हैं वो हमारे लिए क्या सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, हमारे लिए क्या इसका इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है. इन जून 2019 चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिस्क्राइब्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन एज माई बेस्ट फ्रेंड एंड कलीग. व्लादिमिर पुतिन के बारे में, जो कि रशियन प्रेजिडेंट है, उनके बारे में शी जिनपिंग ने, चाइनीज प्रेजिडेंट जो कि है, उन्होंने 2019 जून में ये स्टेटमेंट दिया था कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड कलीग एट नो टाइम सिंस द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 हैज सच पब्लिक बॉनहोमी बीन seen between leaders of Russia and China. It has sparked intense discussion on whether they are moving in the direction of a formal alliance or what that could mean for the rest of the world. Basically, देखिए रशिया और चाइना के बीच के जो बॉन्डिंग है, रशिया और चाइना के बीच की जो हमें जो देखने को मिलती है बॉन्डिंग, वो बहुत पहले से 1949 से हम देखते चले आ रहे हैं, और उसी के तहत जो है 1949 में भी हमने इनके बीच के टाइज देखे हैं और आज भी हम देखते चले आ रहे हैं. तो रशिया और चाइना के जो टाइज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया कि वो इंडिया के लिए या इनके जो आपस में जिस तरह के रिलेशंस है और जिस तरह के इनके बीच में जो टाइप्स होते हैं मैटर्स को लेकर, वो अदर कंट्रीज़ के लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. बिकॉज इंडिया के लिए डेफिनेटली एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बिकॉज चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस है दैट आर नॉट दैट मच गुड. ओके, तो उसके चलते रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको किस हद तक इम्पैक्ट करती है वो यहाँ पे बताया गया है. जो की ट्राइंगल है अमेरिका चाइना रशिया का, उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि रशिया और अमेरिका के साथ भी काफ़ी हम देख सकते हैं, काफ़ी एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है इन तीनों कंट्रीज़ में हमें. ये एक ट्राइंगल है अमेरिका चाइना और रशिया का, इसके बीच तीनों पावरफुल नेशंस हैं. अब चाइना रशिया दो कंट्रीज का कोलैप्स हो जाना, मतलब कलेक्ट हो जाना, पार्टनरशिप में आ जाना, या अदर कोई भी हम बात कर सकते हैं अच्छे रिलेशंस का होना, कहीं ना कहीं अमेरिका पर इम्पैक्ट डालता है इनडायरेक्ट वे में. और अगर अमेरिका पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन दो कंट्रीज़ का, तो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम पर भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका को कमज़ोर बनाएगा, क्योंकि तीनों अपने लेवल पे इक्विवेलेंट लेवल पे हैं और तीनों ही बिल्कुल बराबरी के हम कह सकते हैं पावरफुल नेशंस हैं. उस बीच में किसी एक कंट्री का पावरफुल हो जाना, दो का मिल जाना, दोनों का पावरफुल हो जाना, तो कहीं ना कहीं एक को और लास्ट जो थर्ड नंबर ऑफ कंट्री है उसे काफ़ी कमज़ोर बना देता है. तो उसी पर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है. तीनों कंट्रीज़ का जो ट्राइंगल है उसके बारे में बात की गई है, कैसे COVID-19 के टाइम भी क्या क्या रिलेशन देखने को मिले हैं इन तीनों कंट्रीज़ में, क्या तीनों के इम्पैक्ट क्या देखने को मिले हैं, और चाइना से लेकर हमारा जो डिस्प्यूट है उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है. पार्टनरशिप के कॉलम्स को भी यहाँ बताया है, तीनों जो है मेजर पिलर्स बताए गए हैं.
चाइना का उदय और रशिया का अनीज होना, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। एडवांटेज चाइना इन ट्रेड, चाइना के लिए जो ट्रेड में जो एडवांटेज है उसे भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और उसी के साथ में जो लास्ट है, इंडिया और रशिया के टाइज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देखिए, इंडिया और अमेरिकन टाइज के बारे में सभी को पता है, इंडिया अमेरिका के रिलेशन सभी को पता है, और इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में भी सभी को पता है। तो अगर बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो इम्पैक्ट करेगा इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट हैविंग दैट मच गुड रिलेशंस विथ चाइना। सो इफ़ दे ऑल आर गोइंग टुगेदर, दे बोथ आर गोइंग टुगेदर, एंड डेफिनेटली दे बोथ आर पावरफुल नेशंस, इंडिया इज नॉट दैट मच पावरफुल नेशन, सो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर टाइज विथ रशिया। ओके, एंड वॉट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। सारे ही टॉपिक और सारे ही आस्पेक्ट इन तीनों कंट्रीज़ और इस पे इनके टाइज से होने वाले इंडिया पे जो इम्पैक्ट है, या इनके आपस में जो कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है, सारे आर्टिकल समझ में आए हैं। हमने सारे आर्टिकल्स को बहुत डीपली डिस्कस किया है, जितना हो सकता है मैंने आपसे डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए, जिससे कि आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल सके और प्रीलिम्स बेसिस पर भी क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकें। सो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, आई विल बी हेयर विथ यू बाय टुमारो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।